प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस तीसरे भाग में आपका शानदार स्वागत है। मैं सीधे ले चलता हूँ आपके पाठ्य पुस्तक पर, और जैसे कि पाठ आपके सामने हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग, और जैसा कि आपके पाठ के हिसाब से दूसरा पैरा जो आप देख रहे हैं, आगे क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हम देखते हैं। पहले तो कि पहले भाग में जब वो बताते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, अर्थात अरे राजपुत्र की काल के वश में होने के कारण तुम बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तुम काल के वश होकर बोल रहे हो, और सारे संसार में विख्यात है यह धनुष। क्या ये कोई धनु ही के समान है, कोई छोटा मोटा धनुष समझ रखे हो, ऐसा कहते हैं परशुराम जी। तब जो है लखन अर्थात लक्ष्मण जो है बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं आगे देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात यहाँ पर मैं आपको इन शब्दों का मीनिंग बता दूं पहले, कि लखन, लखन मतलब आप जानते हैं लक्ष्मण को ही कहा गया है, और हसी मने हंसकर, हमरे मने पहले मैं दो पंक्तियों में आए, इस एक एक चौपाई में जो आए उनका मैं अर्थ बता दूं, उसके बाद व्याख्या करूंगा, तो विद्यार्थियों आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो लखन मने लक्ष्मण, हसी मने हंसकर, और हमरे मने मेरे, और जाना मने ज्ञान में या जानकर, का मने क्या, और क्षति मने हानि, और जून आए लाभ, लाभ जून, जून मने पुराना, तोरे मने तोड़ने, और भोरे मने धोखे, भोरे मने धोखे, तो नयन के भोरे मने धोखे में। तो विद्यार्थियों क्या है कि ये अवधी भाषा में है, और अवधी और हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ी में कई शब्दों में समानता है, जैसे इसके पहले भी पहले पैरा में जो आया है शब्द जो है, जैसे रिसाई, रिसाई मने रिशाकर, रिशाकर मने गुस्सा करके बड़े क्रोध से, तो हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रिसा जाना मने गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, इस प्रकार से। तो कई इसमें भोरे और नयन के भोरे, भोरे मने धोखे में, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ी में है भोरहा, भोरहा मने धोखा, तो उसी को कहते हैं। मैं फिर से उसके जैसे आप शब्दों का अर्थ बता दें, व्याख्या कर रहा हूँ कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात कहते हैं तब परशुराम जी के उस वचन को सुनने के बाद कहते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, क्या कह, लखन कहा हंसे हमरे जान, लखन लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में अर्थात हमारे ज्ञान में सभी धनुष एक से समान है, हमारे जानने में हमरे जाना, जैसा कि हम जानते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार से कि सुनो देव सब धनुष समाना, अर्थात सभी धनुष क्या होते हैं, समान होते हैं, समान हैं, एक ही से हैं, और का क्षति लाभ जून धनु तोरे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जून मने पुराना, तोरे मने तोड़ना, क्षति मने हानि, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और क्षति मने हानि लाभ मने लाभ, तो उसी को कहते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण हंसकर कहे थे सुनिए, हमारे जानने में सभी धनुष एक से समान है, अब पुराने धनुष तोड़ने में क्या लाभ हानि। तो और देखा राम नयन के भोरे,
तो श्री रामचंद्र जी से नवीन के धोखे से देखा था, एक नवीन के धोखे से देखा था कि ये कहीं कोई नया ये कहीं ये नया धनुष है। इस प्रकार से उन्होंने एक अपने नवीन के धोखे से देखा था, एक कोई नया धनुष है, इसमें क्या नया पुराने की कोई एक बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे, और आगे क्या कहते हैं फिर आगे, और लक्ष्मण जी यहीं नहीं रुके, आगे कहते हैं कि छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतो रोसु। और क्या कहते हैं कि बोल चित परसुई की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। छुअत और लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत मने छूते ही, टूट मने टूट जाना, और रघुपति मने रघुनाथ जी भगवान रामचंद्र जी, दोषु मने दोषी, और ना दोषु मने दोषी नहीं है, और मुनि बिनु काज करे कतो रोसु। और कहते हैं कि मुनि मुनि मने परशुराम जी को कह रहे हैं, बिनु मने बिना काज काम के, रोसु मने बिना काम के, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये भाव है। और बोले चितय परशु की ओरा, बोले चितय पर चितय मैंने देख कर, यहाँ पर रोसु शब्द जो है रोसु मन गुस् रोस क्रोध गुस्सा, चितय मैंने देख कर बोली मैंने जान कर बधा मैंने, हाँ यहाँ पर बोले चितय परशु की ओर, रे सठ मुनि सुभाव न मोर, और रे सठ सठ शब्द जो है सठ मने है मूर्ख, सठ मने मूर्ख, और ओरा मने और दिशा में, और परसु की ओरा, तो परसु मने फरसा, कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र फरसा, जो एक परशुराम जी का शस्त्र है। तो सुने सुने मने सुना है, और स्वभाव मने स्वभाव, मोरा मने मेरा है। तो इस प्रकार से आप शब्दों का अर्थ जान लीजिए तो आपको निश्चित तौर पर सहूलियत हो अर्थ जानने में। तो पुनः कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, छुअत टूट रघुपत नहीं दोसु, अब मुन बिन काज करे कतरोसु। और लक्ष्मण कहते हैं फिर या तो टूटते ही छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, छुअत टूट रघुपत, इसमें टूट गया रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, और क्योंकि हे मुनि मुनि बुन काज करे कतरोसु, हे मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं, किस लिए गुस्सा करते हैं। तो और परशुराम जी बोले चितय परशु की ओरा, सुरे सर सुने सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके, उस कुल्हाड़ी समान उस शस्त्र को फरसे की ओर देख करके बोले, बोले चितय परशु की ओरा, अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट रे सठ सुने सुभाव न मोरा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रे सठ सुने सुभाव न मोरा, हे मूर्ख अरे दुष सुन, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, रे सठ सुने सुभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना है। और क्या कहते हैं आगे परशुराम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित छत्री कुल दोही। और कहते हैं परशुराम आगे लक्ष्मण को कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोली, जा नहीं मोही, बालक बालक मने बालक, और बोली मने जानकर, बंधव मने वध करता हूँ, और तो ही मने तुझको, जो यहाँ पर शब्द आया है, और केवल मतलब केवल मात्र, मुनि मतलब मुनि ऋषि मुनि, और जड़ मने मूर्ख, और जाना ही मने जानता हूँ, मानता हूँ, मानता है या मानता हूँ, और यहाँ पर शब्द है ब्रह्मचारी मने संयम नियम का पालन करने वाला, और कोई मने क्रोधी, विश्व विदित मतलब जो शब्द आया है
संसार में प्रसिद्ध और क्षत्रिय कुल माने क्षत्रियों के कुल का अद्रोही माने दुश्मन या संहारक। तो विद्यार्थी इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो अर्थ होता है कि कहते हैं कि बालक बोली बंधो नहीं तोरे केवल मुनिजड़ जा नहीं मोरी और बाल ब्रह्मचार्य ते को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। अर्थात कहते हैं कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मानता हूँ, बालक बोली बंधो नहीं तो मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख क्या तुझे तू मुझे नीरा मुनि जानता है, केवल मुनिजड़ जाना ही क्या। अरे मूर्ख क्या तुम मुझे केवल सामान्य मुनि नीरा मुनि जड़ मुनि ही कोई समझता है, जड़ मुनि जानता है। और कहते हैं कि मैं कहते बाल ब्रह्मचारी थे को ही विश्व क्षत्रिय कुल दो और मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई और बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात और मैं विश्व विदित क्षत्र मैं क्षत्रिय कुल का क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ अर्थात क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ द्रोही हूँ शत्रु हूँ। ये तो विश्व भर में संसार भर में विख्यात है ऐसा कर परशुराम जी और कहते हैं अपने बड़ा उसको एक प्रकार के अपनी बातों को एक क्रोधी स्वभाव के कारण ऐसा कहते हैं और क्रोध से कहते हैं और आगे क्या कहते हैं थोड़ा सा विद्यार्थियों गौर से देखिए कि दूसरा पैराग्राफ का ये जो है अंतिम चौपाई की भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार महिदेवन दिन्ही सहस बाहु छेद निहारा और हाँ सहस बाहु भुज छेद निहारा परस बिलोक महीप कुमारा। और कहते हैं कि भुजबल भुजबल माने अपनी भुजाओं के बल पर भुजबल माने अपनी भुजाओं के बल पर बाहों के बल पर और भूप मतलब यहाँ पर जो है शब्दों देखिए राजा और विपुल बार माने अनेक बार मई देवन माने ब्राह्मण मही माने ब्राह्मण और मही देवन माने वही ब्राह्मणों को सहस बाहु माने सहस बाहु नामक राजा जिसका वध जो है परशुराम ने किया। सहस बाहु एक बड़े राजा हुए जिसका वध जो है भगवान परशुराम करते हैं और भुज माने यहाँ पर सहस बाहु भुज माने भुज बाह और छेद निहारा माने काटने वाला विलोक माने विलोक माने अवलोकन करना देखना और महिप कुमारा माने राजा का पुत्र या राजपुत्र। तब आगे कहते हैं इसका व्याख्या इस प्रकार है कि भुजबल भूमि भूप किन भूप बिनु किन्नी और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया मैंने सभी राजाओं को मार डाला है और विपुल बार महीदेव ने किन्नी और कई और भुजाओं अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। विपुल माने कई बार मई देवन ने ब्राह्मणों को दे डाला है और सहस बाहु भुज छेद निहारा परस बिलोक महीप कुमारा और हे राजकुमार कि सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले सहस बाहु जैसे राजा की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देख परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार महीप कुमारा मन राजा कुमार लक्ष्मण को संबोधित करते परशुराम का हे राजकुमार कि सहस बाहु की भुजाओं काटने वाले इस मेरे इस फरसे को देखो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ दोहा का उल्लेख किया है हम इस पर गौर करते हैं कि मातु पिता ही जानी सोच बस करस महीस किशोर और गर्भन्न के अरभक दलन परसु मोर अति गोर लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। और यहाँ पर जो है विद्यार्थियों इसका अर्थ है कि जानी जनी मन मत
और माता पिता माने माता पिता सोच बस में चिंता में महिष किशोर माने राजा के पुत्र और गर्भन माने गर्भ में पल रहे और अर्भक माने बच्चे और दलन माने कुचलने वाला मोर यारे मेरा और घोर मतलब भयंकर घोर मतलब जो होता है भयंकर। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि परशुराम जी कहते हैं अरे राजा के बालक माता पिता जी ने सोच बस करे से महिष किशोर अरे राजा के बालक तो अपने माता पिता को सोच के वश न कर अपने माता पिता को सोच के वश न कर हाँ मेरा फरसा बड़ा बड़ा भयानक है गर्भन के अर्भक दरन परसु मोर अति घोर कहते हैं कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो ये इस रामलक्ष्मण परशुराम के संवाद का जो है तीसरा भाग और आपके ये पैराग्राफ में कहें तो दूसरा पैरा का यही मैं समापन कर रहा हूँ और अगले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो है इस चौथे भाग में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।